ई एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट के अंतर्गत सीखेंगे कि फाइल को अलग अलग फॉर्मेट में कैसे सेव किया जा सकता है, जिसको हम आसानी से कहीं भी शेयर कर सकते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम एक्सेल स्प्रेडशीट में सीखेंगे कि जो हमने काम किया उसको सेव कैसे करेंगे। फाइल को सेव करने के भी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट हैं, उन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं एक फाइल बनाना। तो मैंने पहले ऑलरेडी एक फाइल बनाई हुई है, जैसे हमने शीट 2 पे बना रखी है। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने एक ही वर्कशीट के अंदर चार शीट बनाई हुई हैं, फर्स्ट शीट, दूसरी शीट, तीसरी शीट और ये चौथी शीट। तो मैं जो फाइल सेव करूंगा उसमें मेरी ये चारों वर्कशीट भी सेव होंगी, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही वर्कशीट मेरी सेव हो। तो सपोज़ मैं इसमें काम कर रहा हूं और मैंने ये अपना डेटा बनाया, अब मैं इसको सेव करूंगा। तो यहां पे जब फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, और इसके बाहर यहां पे भी एक ऑप्शन है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी मैंने काम किया वो सेव हो गया। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ डेटा, तो अब ये सेव नहीं है। जब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सेव हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फाइल का जो नेम है यहाँ पे आ रहा है डेटा फाइल। मैं आपको मिनिमाइज़ करके दिखा देता हूँ, ये डेटा फाइल यहाँ पे सेव है, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा डबल क्लिक, ये ओपन हो जाएगी फाइल। तो इसका नाम डेटा फाइल है। मैं इसको अलग नाम से भी सेव कर सकता हूँ, अलग नाम से भी इसको मैं सेव कर सकता हूँ कि मेरे को इस फाइल की एक और फाइल की आवश्यकता है, इसकी डुप्लीकेट बनानी हो या कुछ और बनाना, तो मैं फाइल में जाऊँगा। तो यहाँ पे सेव और सेव एस कमांड में अंतर भी आपको आज मैं बताता हूँ। जो फाइल पहले से बनी हो उसको सेव कहते हैं। जैसे मैंने सेव किया, ये पहले से सेव है, सेव हो गई है। अगर मैं इसको सेव एस चुनता हूँ तो ये पूछेगा कि आप इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। सपोज मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने इसे क्लिक किया, अब डेस्कटॉप मेरा खुल जाएगा। यहाँ पे डेस्कटॉप को जैसे मैंने क्लिक कर लिया है, अब डेटा फाइल के नाम से ऑलरेडी ये बनी हुई है और मैं चाहता हूँ इसको किसी दूसरे नाम से सेव करूँ, तो डेटा फाइल 2 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो आपने देखा कि 2 हो गया, और मैं जैसे इसको सेव करूँगा तो ये सेव हो जाएगा और यहाँ पे डेटा फाइल 2 आ गया। अब जो भी मैं काम कर रहा हूँ डेटा फाइल 2 में काम कर रहा हूँ, ये यहाँ पे सेव हो चुकी है। एक फाइल मेरी ये थी और दूसरी फाइल मेरी ये बन चुकी है, इसकी डुप्लीकेट फाइल। अब आपने देखा कि व्हाट्सएप में हम फाइल को शेयर करते हैं वर्ड की या किसी और की, तो बहुत आसानी से हम उसका शेयर कर लेते हैं, लेकिन एक्सेल की जो फाइल हम वर्ड में शेयर करते हैं तो आपने देखा कि वो खुलती नहीं है कईयों के मोबाइल में। उसके लिए अलग से ऐप डाउनलोड करना पड़ता है जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की फाइलों को ओपन करता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको मैं आसानी से इमेज फॉर्मेट में या पीडीएफ फाइल में इसको सेव करूं, तो वो भी हम इसमें आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर फाइल ऑप्शन में जाएंगे। फाइल में आपने यहाँ पर देखा है कि सेव एज़ कमांड को ले लेते हैं दोबारा। सेव एज़ कमांड में आप फिर कहाँ सेव करना चाहते हैं फाइल, हमने डेस्कटॉप ऑप्शन चुन लिया है। यहाँ पर डेस्कटॉप में जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक के नाम से सेव हो रही है फाइल। अब हम इसको यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बहुत किस्म के इसमें फाइल फॉर्मेट आ रहे हैं। तो जो अभी हम काम कर रहे हैं वो एक्सेल वर्कबुक में है, और अगर हम कुछ इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं या कुछ कमांड्स, मतलब हम इसमें प्रोग्राम के तहत मैक्रो कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें मैक्रो के अंतर्गत ये सेव होगी, जिसमें हमारे बहुत सारे फॉर्मूले इसमें हम लगाते हैं। उसके बाद अगर आपके पास पुराना एक्सेल का सॉफ्टवेयर है, मैं 2013 में काम कर रहा हूँ, अगर आप 2003 से पुराने सॉफ्टवेयर में इसको फाइल को सेव करना चाहते हैं, वहाँ इसको ऑप्शन को चुन सकते हैं। आप वेब पेज के लिए अगर इसको सेव करना चाहते हैं, वेब पेज में भी इसको सेव कर सकते हैं ताकि वेबसाइट में आसानी से अपलोड हो जाए। इसके साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं, जैसे इसमें जो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पीडीएफ है।
क्योंकि पीडीएफ में शेयर करना बहुत आसान होता है और इसमें टेक्स्ट और डेटा भी फिक्स होता है, कहीं पे हिलता नहीं है, तो और कहीं पे भी ये फाइल ओपन हो जाती है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो पीडीएफ को हम क्लिक करेंगे तो हम इस फाइल का पीडीएफ बना लेते हैं। तो जैसे मैंने पीडीएफ ओपन किया और इसको ओपन कर दिया, और ये पूछ रहा है कि किस नाम से हमें सेव करनी है, क्योंकि हमने डेटा 2 दे रखी थी तो हम डेटा इसको 3 दे देते हैं और इसको हम डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं। जैसे मैं सेव इस पे क्लिक करूँगा तो ये फाइल अब डेटा फाइल 2 से पीडीएफ फाइल डेटा फाइल 3 पे कन्वर्ट हो जाएगी, ये देखिए। तो इसको शेयर करना बहुत आसान है, इसमें हम बच्चों के मार्क्स रिजल्ट आदि आसानी से शेयर कर सकते हैं और इसका यहीं से हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो आपने देखा कि पीडीएफ में हम कैसे फाइल को कन्वर्ट करते हैं एक्सेल की फाइल को। तो ये जो यूज़ है इसका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप भी जो भी काम करते हैं फाइल में उसको वर्कशीट में काम करने के बाद उसको सेव जरूर करें, और एक बार फाइल नेम आपने डिसाइड कर दिया उसके बाद आप समय समय पर ये जो सेव का जो बटन है इसको कर सकते हैं, या कंट्रोल एस के माध्यम से भी आप फाइल को सेव कर सकते हैं। तो आपने आज सीखा हाउ टू सेव द फाइल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और नई कमांड्स जानेंगे कि एक्सेल एक प्रकार का जादू वाला सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कई प्रकार के कार्य चुटकियों में मिनटों में कर सकते हैं। धन्यवाद।